दोस्तों, अगर आप अपने घर पर गमले में बैगन उगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बैगन के बीज लगाने से लेकर पौधे तैयार करने तक और इन पौधों को इस तरह से बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाकर इस तरह से बैगन तोड़ने तक का पूरा अपडेट दूंगा। और स्पेशली आज बताऊंगा कि जब हम घर पर बैगन उगाते हैं तो हमें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप उन समस्याओं से बचकर कैसे अपने घर पर ही बहुत अच्छे जो है बैगन उगा सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, ये मेरे बैगन का पौधा है जो कि लगभग एक साल पुराना है और इस बैगन में आप देख रहे हैं कितने अच्छे बैगन आ रहे हैं। अभी मैंने बैगन के बीज लगाना और बैगन के पौधे बनाना भी तैयार कर दिया है, कुछ मैंने पौधे बनाकर उन्हें लगा भी दिए हैं। तो बैगन की जो पौधा है, बैगन की जो फसल है, वो स्पेशली गर्म माहौल में होती है और ये पौधा गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप अपने घर पर बैगन उगाना चाहते हैं तो आप इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो उस समय लगाइए, उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यह तापमान हमारे एरिया में अक्सर गर्मियों के समय और बरसात के समय होता है। तो जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप इसे लगा लीजिए या फिर जनवरी के बाद फरवरी मार्च में इसे लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मॉनसून सीजन में जो मैंने बीज लगाए हैं उनके पौधे तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरह से ये पौधे तैयार हैं। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि जो बैगन के बीज हैं वो कैसे लगाए जाते हैं और उसके बाद इस तरह से पौधे बनने के बाद इनकी कैसे केयर करनी है। दोस्तों, बैगन के बीज लगाने के लिए सबसे पहले हम सीडलिंग मिक्स बनाएंगे और इस सीडलिंग मिक्स को बनाने के लिए हम एक भाग लेंगे कोकोपीट और एक भाग लेंगे हम बर्मी कंपोस्ट। तो कोकोपीट मैंने पहले से इस तरह से जो है पानी में उसको गीला कर लिया है ताकि वो अच्छे से निकल जाए और यहाँ से अब इसमें मिलाएंगे ये हमारा बर्मी कंपोस्ट, 50% बर्मी कंपोस्ट, 50% हमारी नॉर्मल कोकोपीट। यहाँ से इस तरीके से हम इसे ये पूरा पैकेट हमने खाली कर लिया है बर्मी कंपोस्ट का। और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें इस कोकोपीट में। तो ये बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स होता है। अगर आप इस तरह से बैगन के बीज या फिर दूसरी सब्जियों वाले बीज लगाकर उनके पौधे बनाना चाहें तो आपको इस तरह से सीडलिंग मिक्स तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी हमारी कोकोपीट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसे जो है अच्छे से कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करने के बाद हम इसे भरेंगे सीडलिंग ट्रे में। आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कीजिए, सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप डिस्पोजल कप जो आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए या फिर इस तरह से जो जिस ट्रे में मैं ये मिक्स बना रहा हूँ इसमें भी अगर आप ड्रेन होल बना लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बीज से पौधे तैयार करने के लिए एक आपका ट्रे का काम करेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमारे बीजों को, क्योंकि इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया है और कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगी और इससे जो ये मिक्स है वो हार्ड नहीं हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इससे सीड आराम से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये हमने बना लिया है हमारा सीडलिंग मिक्स और अब इसे भर देते हैं इस सीडलिंग ट्रे में। कुछ इस तरह से हमें भरना है पूरा। तो इस तरह से सीडलिंग मिक्स भर देंगे हम, ये देखिए आप अच्छे से इसे भरना है और इसे इस तरह से आप बराबर कर लीजिए और इसे हम निकाल कर ऊपर रख लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। जहां पर भी आपको कम लग रहा है कि सीडलिंग मिक्स कम है वहां पर आप और सीडलिंग मिक्स डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें थोड़ा सा कम है तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए इस तरीके से और बीच में डालेंगे फिर से
सीडलिंग मिक्स को इस तरह से भरना बहुत जरूरी है, वरना सीडलिंग मिक्स में क्या होगा कि अच्छे से आपकी ये जो सीडलिंग ट्रे की जो भी जगह है, जो भी सेल है, अच्छे से फिल नहीं होंगी, खाली खाली रहेंगी, तो फिर प्रॉपर तरीके से सीड आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये देखिए, ये हमने बना दी है। अब आपको क्या करना है, उंगली की मदद से आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी आपको जगह बनानी है जिसमें हमें लगाना है बीज। तो एक हम इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इस सीडलिंग ट्रे में, ज्यादा गहरा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ज्यादा गहरा बन जाता है तो आप इस तरह से उसमें जो है और सीडलिंग मिक्स डाल दीजिए। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बैंगन के बीज और ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं बैंगन के बीज। एक सेल में एक बीज हम डाल देंगे। और इसी से आप इस तरह से इसे कवर कर दीजिए, या फिर और हम इस तरह से कोकोपीट डालकर हम इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपके बीज लग गए हैं और कुछ 20 मैंने यहाँ पर बीज लगाए हैं। ये देखिए, अब हमें देना होगा पानी। तो अब आप इसको थोड़ा सा मैं अब आपको देना है पानी, तो आप इस तरह से स्प्रेयर की मदद से पानी दे दीजिए। और अब आपको दोबारा पानी तभी देना है जब आपको ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी आपको सूखी दिखे, बार बार पानी नहीं देना है। तो इस तरह से हमारे बैंगन के बीज लग गए हैं और लगभग 20 से 25 दिन में यहाँ से पौधे तैयार हो जाएंगे लगाने के लिए हमारे बड़े ग्रो बैग में। तो बीज लगाने के बाद जब इस तरह से पौधे बन जाएं और जब पौधे में 3-4 पत्तियां आ जाएं और जो ये पौधा है लगभग 25 से 30 दिन पुराना हो जाए, तो आप इसे इस तरह से बड़े गमले में लगा सकते हैं। बड़े गमले में लगाने के लिए आपको देखिए गमले का जो साइज है वो मिनिमम 12x12 इंच या 15x15 इंच रखना है। साथ में एक गमले में एक ही पौधा लगाना है। पौधे को लगाने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिए जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और इस बैंगन को लगाने के लिए जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैंगन में काफ़ी ज़्यादा बैंगन आते हैं और जब इतने सारे बैंगन आएंगे तो इनके लिए इन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी होगी, और जब इन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो वो बैंगन को कहाँ मिलेगा, जहाँ से आपने मिट्टी बनाई है। तो मिट्टी बनाते समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली जैसी चीज़ों को मिलाएं। और अगर मैं मेरा रेशियो बताऊं तो 30% में मिट्टी लेता हूं, 30% लेता हूं कोकोपीट, 30% मिलाता हूं उसमें दूसरी खाद, और 10% में जो बोन मील, नीम खली, मस्टर्ड केक है, इस तरह की खाद को मैं मिलाता हूँ। और ये बहुत अच्छी जो है हमारी मिट्टी बन जाती है पौधों को लगाने के लिए। इसके बाद हमने इसमें पौधे लगा दिए और पौधों को लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद इनमें फूल आने लगते हैं। और फूल कैसे आते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैंगन का फूल है और इसमें एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। आप इसको इस तरह से शेक करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो ये पॉलिनेट हो जाएगा और फिर इसमें ढेर सारे बैंगन आएंगे। जब आप इस तरह की मिट्टी बनाकर लगाएं तो महीने में एक बार अगर आप चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिक खाद अपने बैंगन के पौधे में दे सकते हैं। और इस तरह से लकड़ी का सहारा दे दीजिए जिससे ये बैंगन सीधा ऊपर जाए और इसमें जब बैंगन लगे तो वो नीचे ना जाए। इसके बाद आपको लगभग 3 महीने बाद, बीज लगाने के 3 महीने बाद जो है बैंगन तोड़ने को मिलने लगेंगे, और फिर आप इन्हें तोड़ते जाइए और लगातार इससे आपको बैंगन मिलेंगे। और बैंगन का पौधा ऐसा है कि अगर आप एक बार लगा लें तो ये 1-2 साल तक भी आराम से चल जाएगा, बस समय समय पर आपको इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी होगी। तो इस तरह आप जो है
अपने छत पर बड़े आसानी से ग्रो बैग या गमले में बैगन उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैगन में कि इसके जो फूल हैं वो फूल आते हैं, गिर जाते हैं, बैगन नहीं बनता। तो ये समस्या तब आती है जब या तो आपने अपने बैगन का पौधा शेडी एरिया में रख रखा हो, धूप में नहीं है, कम धूप मिल रही है, आपने जिस भी गमले में बैगन का पौधा लगाया है वो बहुत छोटा है, या आपने जिस मिट्टी में बैगन का पौधा लगाया है उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कमी है, कम है, और आपका पौधा की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, मतलब बैगन का पौधा कमजोर है। ये सारे केस होने पर जो है बैगन के फूल गिरते हैं, और लास्ट जो कारण है वह है पॉलिनेशन ना हो पाना। कई बार पॉलिनेशन नहीं होगा तब भी बैगन के जो है फूल गिर जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए अच्छी मिट्टी बनाएं, अच्छे साइज के ग्रो बैग में लगाएं बैगन के पौधे को, और फुल सनलाइट में रखें। और पॉलिनेशन के लिए आप पौधे को थोड़ा इस तरह से सुबह शाम थोड़ा सा सेक कर देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, या हवा चलेगी या फिर पॉलिनेटर्स आएंगे तब भी ये पॉलिनेट हो जाएगा। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपके बैगन के पौधे के जो है बीज से जो आपके फूल आएंगे पौधे से वो नहीं गिरेंगे। और एक चीज और ध्यान रखें, जब भी बीज से बैगन का पौधा उगाएं तो बीज अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ये जो बैगन है इनके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहां पर जाकर आप इनके बीज खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो बैगन में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, फूल भी अच्छे आएंगे और फल भी अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने छत पर होम गार्डन में बड़े आसानी से बैगन का पौधा उगा सकते हैं, ग्रो बैग या गमला जिसमें भी आप चाहें इसे उगाइए, और फिर अपने ढेर सारे बैगन को खाने में इस्तेमाल कीजिए। आपको बैगन उगाने का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो उन्हें भी आप कमेंट्स में लिखें। ये बैगन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। देखिए कितना अच्छा है। आप इस स्टेज में इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए और छोड़ सकते हैं। बैगन की ढेर सारी वैरायटी आती हैं, तो अपने पसंद और अपने लोकल एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से बैगन को लगाइए, और फिर आपको आपका मनचाहा रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।